टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के तनवर कॉम्प्लेक्स में आज एक बार फिर टोरेंट पावर कर्मचारियों को रीडिंग लेने और मीटर लगाने को लेकर हंगामा हुआ। इस हंगामे के बाद हमने टोरेंट पावर के अधिकारी चेतन विद्यानी और नगर सेवक शानू पठान और इस कॉम्प्लेक्स के जनता से बातचीत की है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। ये हंगामा इतना बढ़ गया कि नगर सेवक शानू पठान को कॉम्प्लेक्स में लोगों ने बुलाया और इस दौरान टोरेंट कर्मचारियों और शानू पठान और कॉम्प्लेक्स के लोगों के बीच में मीटिंग हुई। कॉम्प्लेक्स के लोगों का कहना है कि हम मीटर नहीं बदलने देंगे। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि टोरेंट ऑफिस पर किसी भी तरह की शिकायत लेकर जाओ तो वहाँ सुना नहीं जाता है। बिल दुरुस्त कराने के लिए इनके पास जाओ, उनके पास जाओ, बस यही कहकर दौड़ाया जाता है। टोरेंट के तमाम शिकायतों को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। वहीं टोरेंट पावर के कर्मचारियों को अथॉरिटी की भी बात सामने आई। मीटर लगाना, रीडिंग लेने और बिल कम करने को लेकर कॉम्प्लेक्स के लोग कह रहे हैं कि टोरेंट कर्मचारियों को कॉम्प्लेक्स में नहीं आने देंगे। मगर वहीं टोरेंट के पीआरओ चेतन विद्यानी ने बताया है कि टोरेंट पावर के पास जो अथॉरिटी है उसी नियम से वो काम करेंगे। रीडिंग लेना मेंटेनेंस के लिए और जो सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स में जाना है वहाँ अपने जो अथॉरिटी है उसके हिसाब से वो जाकर काम करेंगे। साथ ही टोरेंट के अधिकारी चेतन विद्यानी ने यह भी बताया कि लोगों को जो परेशानी हो रही है हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों के बिल ठीक किए जाएं, उनकी शिकायतों पर काम हो। तनवर कॉम्प्लेक्स के लोग और शानू पठान टोरेंट पावर के चेतन विद्यानी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। यहाँ पे मीटर बदली करने के लिए उनको मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि यहाँ पे आप मीटर बदली नहीं कर सकते, क्योंकि माननीय मिनिस्टर जितेंद्र रावत साहब के वहाँ पे बात हुई थी टोरेंट के आला अधिकारियों के सामने कि जब तक के लोग खुद मीटर की बदली नहीं चाहेंगे आप बदली नहीं कर सकते। तो जिनके अच्छे मीटर है और जो बिल सही आ रहे और जो बिल भर रहे उनका मीटर क्यों बदली कर रहे, इसीलिए ये मीटिंग रखी गई थी कि आप अपने अधिकारियों को यहाँ मना कर दें मीटर बदली करने के लिए नहीं आए। शानू भाई, ये भी लोगों में शिकायत देखी गई कि लोग काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ ऑफिस में भी जाने के बाद उनकी शिकायतें। इसीलिए बोला हमने कि तुम्हारे ऑफिसर पे तुम्हारे ऑफिस पे कंज्यूमर आ रहे, तुम उनको वहाँ पे उनका समाधान नहीं कर पा रहे, तो फिर तुम डोर टू डोर कैसे करके ले रहे। तुम पहले पब्लिक के पास उनकी जो शिकायत है, जो उनके बिल आ रहे टोरेंट के बारे में आशंका है लोगों को कि बिल ज़्यादा भरती है, उसको क्लियरिंग करो और फिर जाओ, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर टोरेंट की लड़ाई हमारी कंटिन्यू जारी है और आने वाले वक्त के अंदर अगर टोरेंट अपनी मनमानी से बात नहीं आई तो हम कुछ भी करेंगे। कोर्ट से लेके गवर्नमेंट माननीय जितेंद्र रावत साहब के साथ मिलकर टोरेंट पर स्टे लाके ही रहेंगे और हम टोरेंट अगर अपनी जिम्मेदारी को लोगों को समाधान नहीं करी तो टोरेंट को हम यहाँ से मुमरा से भागा करें। शानू भाई, आपको भी बोले यहाँ पर कि आपको समाधान के लिए बुलाया गया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि उन्हें टोरेंट चाहिए ही नहीं। टोरेंट के समाधान के लिए नहीं आया बुलाया, आप समझिए। ये मीटिंग इसलिए नहीं थी कि पब्लिक को टोरेंट की लड़ाई ना हो। टोरेंट वाले मीटर बदली कर रहे थे दो दिन पहले, जिसको मैंने रुका है और लोगों की शिकायत थी उसी ने, यहाँ मीटिंग ये थी कि आप समझिए। वो टोरेंट की एक टीम है, वहाँ पे उनकी कुछ नौजवानों से हमारे नौजवानों की आपस में लड़ाई ना हो, इसीलिए उनको ये बोला गया कि हमारा लड़ाई टोरेंट से व्यक्ति की लड़ाई ना होना चाहिए। आप अपने को आप अपनी जाके कंपनी को आला अथॉरिटी को बोल दो कि हमको मीटर से लेके बाकी सब चीज़ करना नहीं है। जो लोग को बिल आ रहा है वो लोग अपने बिल जाके भर रहे। क्या तकलीफ आपको कल मेरी ये टोरेंट का जो बिल है, वो लोग क्या पहले बोले बोलता कि हम लोग जो MHB का बिल है वो हम लोग माफ़ करेंगे। अब हमारे ऑफिस में आके साहब को मिलो, हमारी बच्ची कल 3 घंटा गई, 3 घंटा ये साहब के पास जा रहे तो बोला वो साहब के पास जाओ, वो साहब के पास गए तो बोला वो साहब के पास जाओ, 3 घंटा मेरी बच्ची वहाँ परेशान हो गई लेकिन मेरी बच्ची का काम हुआ नहीं। कौन तो उसका क्या करेंगे, हम क्या कहा जा रहा था वहाँ, बोल रहा है तुम पहला बिल भरो बाद में फिर हम करेंगे। अरे तो फिर पैसे ही नहीं तो बिल भरेंगे कहाँ से हम लोग। कितना बिल आया था? 31। कितने महीने का? अभी लॉकडाउन से, लॉकडाउन जब से हुआ था, लॉकडाउन खुला जब तक का बिल है। हमारे पास पैसा ही नहीं तो हम करेंगे क्या, कैसे लाएंगे? आके बोलते एक धमकी देते बोला हम तुम्हारा मीटर निकाल के जाएंगे। ऐसा कैसा मीटर निकालेंगे भाई? किससे कहा था मीटर निकालेंगे? ये वहाँ सब लोग आते हैं, ये देखो नोटिस है साथ में बिल लिए लाए।
बोला तुम नहीं भरेंगे 8 दिन के अंदर तो तुम्हारा मीटर निकल के जाएंगे। अरे भाई ये कोई सॉल्यूशन निकलेगा उससे? आप लोग यहाँ पर टोरेंट जो है कह रहे कि टोरेंट कंपनी हमको चाहिए ही नहीं, चोर कंपनी है। एक तरफ आप लोग जो है टोरेंट के अधिकारियों से मीटिंग भी कर रहे हैं। असल बात क्या है, ये इनकी दादागिरी तकरीबन इस कंपनी से कई बार हो चुकी है। ये आदमी लेके आते हैं, मैं तो कहता हूँ एक मैंने फौज में देखा आदमी भर्ती करते हुए पूरा सीना हाइट उठ देख करके एक ये लोग भर्ती करते हैं, 4-5 आदमी लेके आते हैं, डराते हैं, पुलिस को भी लेके आते हैं। तो हम लोगों ने ये आपको मालूम होना चाहिए, ये सिर्फ एक बिल्डिंग की मीटिंग नहीं है, ये कम से कम पूरे एरिया के 25-30 बिल्डिंग की मीटिंग है। ऐसा मत सोचिए, यहाँ 25-30 बिल्डिंग का मैसेज यहाँ से जाना चाहिए। हमने आखिर शानु भाई ने कहा जब तक ये मौजूद, हमने इनसे यही रिक्वेस्ट किया अगर आपको कोशिश से अगर टोरेंट आज चली जाती आज उसको हटाओ, हमारी पहली मांग है। और सबका ये फैसला कि देखिए 90 अब शिकायत 100 है, आप दुरुस्त नहीं कर सकते इसलिए कि भिवंडी में लोग आपको झेल रहे हैं। हम लोग सबका आखिरी फैसला है कि हम आपको नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए, ये हम लोग का आखिरी फैसला है। लेकिन जब तक नहीं जाती तब तक जो शानू भाई ने बताया है उनको यहाँ पे घुसने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर ये घुसेंगे तो उसके जो खुदा न खासा कोई बात हो गई उसके जिम्मेदार सोसाइटी नहीं होगी, ये खुद उसके जिम्मेदार होंगे। चेतन भाई आज जो यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी इसमें तमाम लोगों का ये कहना था कि आपको जो है अथॉरिटीज नहीं है, तो इसके अथॉरिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा है, टोरेंट पावर MSEDCL की फ्रेंचाइजी के बतौर 1 मार्च 2020 से शिल मुमरा कलवा के लिए काम कर रही है। तो आपका रीडिंग है, आपका बिल बनाना है, आपके नेटवर्क का काम करना है, आपका ओवरऑल पावर सप्लाई सुधारना, बिलिंग सुधारना, और जो भी एवरेज का बिलिंग हो रहा है उसको निकाल के रीडिंग बेस्ड बिल देना, ये सारा काम और अथॉरिटी टोरेंट पावर का ही है। MSEDCL की फ्रेंचाइजी होने की वजह से उनके बतौर हम काम कर रहे हैं, लेकिन सारा काम टोरेंट पावर ही करेगी। आपका अगर मार्च 20 के पहले का कोई बिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो केस में MSEDCL के साथ डिस्कशन करके टोरेंट पावर ही आपको उसका हल ला के देगा। ये यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ कि भाई टोरेंट पावर को अथॉरिटी नहीं है, तो उस मामले में मैं थोड़ा सा ये खुलासा करना चाह रहा था कि अथॉरिटी टोरेंट पावर को इस एरिया में पूरा काम करना है। MSEDCL के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बतौर मैं वापस बता रहा हूँ, रीडिंग बिल बनाना, नेटवर्क को सुधारना, कस्टमर सर्विस देना, सारे काम टोरेंट पावर इस एरिया में करेगी। सर आप कह रहे हैं आपको पूरी अथॉरिटी है, लेकिन अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके लोग यहाँ पर आएंगे नहीं, तो फिर आपको आने नहीं देगा। आपके बतौर मैं वही लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए आपको अगर बिल का कोई मसला है, हम आपके यहाँ पे कैंप लगाने के लिए आज यहाँ पे आए थे, कैंप लगाना चाहते हैं और आपके जो भी मसले हैं उसको हल करेंगे। कैंप लगा के यहाँ पे बैठ के डेडिकेटेड कैंप दिन भर मेरे लोग बैठ के उसका हल भी देंगे, एक से एक जितने भी केस है सारे देखेंगे। दूसरा हमारे सेंटर पे जाके वहाँ पे भी आपका अगर कोई हल है, ऑफिसर्स हम वहाँ पे बढ़ा देंगे, वहाँ पे आप जितना भी केस है जाके मिलिए। लोगों का ये भी कहना है कि आपके सेंटर पर भी लोग जाते हैं, जैसे एक चाचा यहाँ पर है, उनका कहना था कि वो दिन भर उनकी लड़की वहाँ पर दौड़ते रह गए, यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ, कोई सुनवाई नहीं। वो केस में हमारे ऑफिसर अभी उनके साथ बैठ के वो केस ही देख रहे हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, एक है कि अगर आपका अभी के बिल का मसला है मार्च 20 के बाद का, तो टोरेंट पावर जब से आया है तब से अगर कोई बिल का ये है तो वो हम वहीं के वहीं देख के आपको उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन अगर बिल में MSEDCL के टाइम का कोई प्रॉब्लम है, जैसे तभी एवरेज बिलिंग हुआ था या तभी फॉल्टी मीटर की वजह से कोई गलत रीडिंग हुआ था, तो उसका सुधार करने के लिए टोरेंट पावर को वो केस MSEDCL के पास भेजना पड़ता है, और वहाँ से जब वो अप्रूव होके आता है या जो भी करेक्शन होके आता है उसके बाद ही कस्टमर को वो टोरेंट पावर बता सकती है या करके दे सकती है। तो ये प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो टाइम तो कस्टमर को हमको देना पड़ेगा, मगर वहाँ के वहाँ सोल्यूशन अगर मांगते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पुराने केस MSEDCL के साथ बैठ के ही हमको भी रिजॉल्व करने पड़ेंगे और उसको थोड़ा सा अपने को वक्त देना पड़ेगा। रीडिंग मत लेने दो, देखिए आपका रीडिंग अगर होगा तो रीडिंग बेस्ड आपको सही बिल आएंगे। आपके बतौर मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर रीडिंग करने देंगे तो सही बिल रीडिंग के बेस पे आएगा, रीडिंग करने ही नहीं देंगे तो वो एवरेज बिल जाएगा और उस वजह से उसको वो बढ़ा हुआ लग रहा है। लॉकडाउन के बिल का जो मसला है जो यहाँ पे चर्चा हुई उस पर गवर्नमेंट लेवल पे स्टेट लेवल पे डिस्कशन चल रहा है और उसका जो भी हल लॉकडाउन बिल का, अभी तो लोगों के साथ यही डिस्कशन है कि इसको भले ही गवर्नमेंट की तरफ से जो आया है आप किस्तों में भर सकते हैं, तो किस्तों में भरने के लिए भी हम ऑप्शन दे रहे हैं। आपका बिल अगर बकाया है, आपका जमा हो गया, तो उसको हम किस्त में भी करके देंगे, आप अपनी सहूलत से उसको भरिए। दूसरा, रीडिंग अगर लेंगे तो ही उसको सही बिल दे पाएंगे, अगर रीडिंग नहीं लेंगे तो सही बिल कहाँ से दे पाएंगे। तो थोड़ा लोग रीडिंग के इसमें लोगों से कोऑपरेशन की एक रिक्वेस्ट है। मुमरा शहर में टोरेंट पावर पर काफ़ी हंगामा हो रहा है, लोगों में काफ़ी नाराज़गी
देखी जा रही है, मगर टोरेंट पावर के अधिकारी भी लोगों की समस्या दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसी जानकारी टोरेंट पावर के पीआरओ चेतन विधियानी ने दी है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।